हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। उन्हें अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है और ये राजकुमार सिर्फ सपनों वाला ही राजकुमार नहीं है, बल्कि ये राजकुमार अरबों की दौलत का मालिक है, जिसे हंसिका मोटवानी से प्यार हो गया है। पेरिस के आईफिल टावर के सामने हंसिका के इस राजकुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और अब आने वाली 4 दिसंबर को हंसिका 7 फेरे लेने वाली है। हंसिका के होने वाले पति का नाम सुहेल कथूरिया है, जो पेशे से एक जाने माने बिजनेसमैन है और उनका व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हंसिका और सोहेल लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, लेकिन अब सोहेल ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हंसिका को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और हंसिका भी झटपट इस शादी के लिए तैयार हो गई हैं। हंसिका की वेडिंग बहुत रॉयल होने वाली है, जिसके लिए उन्होंने जयपुर का 450 साल पुराना किला फाइनल कर लिया है। जयपुर में बना ये मुंडतो किला अपनी रॉयल्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ शादी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब हंसिका और सोहेल इसी किले के भीतर 7 फेरे लेंगे। जयपुर के पैलेस में 2 दिसंबर को सूफी नाइट, 3 दिसंबर को मेहंदी और संगीत और 4 दिसंबर को शादी के फंक्शन रखे गए हैं। इन सभी फंक्शन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। हंसिका अपनी शादी पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। इस शादी में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। फिलहाल हंसिका अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। जो एक्ट्रेस हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई उसे दुल्हन बनते देखना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।